आर्मीज अनुहासेयो, हमारे बीटीएस के मेंबर वी रिसेंटली ही साउथ कोरिया वापस आए हैं और काफ़ी लंबी फ्लाइट रही थी उनकी क्योंकि वो पेरिस गए हुए थे। लेकिन आर्मीज क्या आप ये जानते हो कि जब वी साउथ कोरिया वापस आने के बाद लाइव आए थे तब उन्होंने सभी आर्मीज को एक काफ़ी स्पेशल चीज़ अपने बारे में बताई थी और एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट चीज़ भी आर्मीज के साथ शेयर करी थी। तो अगर आपने वो सीक्रेट बात नहीं सुनी जो कि वी ने बताई थी तो उसको जानने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो एक्चुअली हमारे बीटीएस के मेंबर वी अपनी कार में लाइव आए थे क्योंकि वो आर्मी से बात करना चाहते थे। पेरिस में काफ़ी दंगे फसाद चल रहे थे जिसकी वजह से बहुत ही सारे आर्मीज काफ़ी ज़्यादा परेशान थी वी की हेल्थ को लेकर। तो जब वी अपनी गाड़ी में बैठकर लाइव कर रहे थे तो आर्मीज उनसे काफ़ी सारी बातें कर रही थी जिसके बीच में एक आर्मी ने वी से बोला कि आज का TMI क्या है, यानी कोई पर्सनल चीज़ क्या है। तो उसके रिप्लाई में वी ने बताया कि एक्चुअली वो काफ़ी लंबी स्लीप लेकर आए हैं फ्लाइट में और उन्हें काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। जिसके बाद वी ने रिवील किया कि एक्चुअली उनकी लाइफ में काफ़ी बड़ा सीक्रेट है कि उनको प्लेन पे ज़्यादा अच्छी नींद आती है अपने बेड या फिर कार की जगह पर। तो दोस्तों वैसे तो सुनने में काफ़ी रेयर है क्योंकि आपने सुना ही होगा कि जब लोग लंबी लंबी प्लेन में ट्रेवल करते हैं तो उनको जेट लैग हो जाता है या फिर उनको काफ़ी ज़्यादा डिसकम्फर्ट होता है। और ये लाइन तो हम सभी जानते हैं कि सुकून की नींद तो अपने ही बिस्तर पर आती है, लेकिन वी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है क्योंकि उनका कहना है कि उनको प्लेन या फिर फ्लाइट में ज़्यादा अच्छी नींद आती है अपने बेड या फिर कार से। तो ये काफ़ी रेयर फैक्ट था जो कि वी ने अपने बारे में शेयर किया, जिसको सुनकर आर्मीज भी बहुत शॉक्ड हो गई थी। कुछ आर्मीज का तो कहना था कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि वी कितने अच्छे से फ्लाइट्स में सो जाते होंगे और उनको अपने बेड पर उतनी अच्छी नींद नहीं आती, क्योंकि वी तो इतने पैसे वाले हैं, वो तो अच्छे से अच्छा बेड अफोर्ड कर सकते हैं। फिर आखिर ये कौन सा फीचर है जो सिर्फ वी के अंदर ही है और किसी के अंदर नहीं है। हालांकि ये सब बातें तो इंसान पर डिपेंड करती हैं। हो सकता है कि वी को सच में फ्लाइट में ट्रेवल करना काफ़ी कंफर्टेबल लगता हो, डिपेंड करता है कि वो कैसी और किस फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं। साथ ही साथ हर इंसान का अलग अलग कंफर्ट होता है, तो हमारे वी का ये यूनिक फीचर आर्मीज को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। इसके सिवा भी वी ने काफ़ी सारी बातें आर्मीज से करी और ये वही लाइफ था जहाँ पर वी ने आर्मीज को नमस्ते भी बोला था, यानी हम इंडियन आर्मीज को एक काफ़ी बड़ा गिफ्ट दिया था और काफ़ी सारी लैंग्वेज में वी आर्मीज से बात कर रहे थे। ये लाइफ काफ़ी छोटा था, वी कुछ ही देर बाद ऑफलाइन चले गए थे, लेकिन उनको इस तरीके से वापस आ जाता देख और लाइव आता देख आर्मीज को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जब दंगे फसाद चल रहे थे और ये सारी न्यूज़ आ रही थी तो आर्मीज बहुत परेशान थी। ऐसे में वी का लाइव आना, उनका वापस आना आर्मीज के लिए एक बड़ा गिफ्ट साबित हुआ। यही नहीं बल्कि उसके जस्ट बाद वी वीवर्स ऐप पर भी आ गए थे और उन्होंने काफ़ी सारी आर्मीज को रिप्लाई भी दिया था। तो बेसिकली ये दिन काफ़ी सारे आर्मीज के लिए बहुत लकी रहा। तो आर्मीज मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताओ कि क्या आपके भी ऐसी कोई रेयर हैबिट है। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।